दिल्ली के माँ फाउंडेशन संस्था का 15 साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों के मन मोह लिए, जहाँ समाज के कई गणमान्य व्यक्ति और समाज सेवी सहित ब्यूरोक्रेट भी उपस्थित हुए और माँ फाउंडेशन के कार्यों की तारीफ की। आइए देखें ये रिपोर्ट। माँ फाउंडेशन लगातार जो काम कर रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार आप देख भी रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है? नहीं, बहुत ही अच्छा है। ये हमारे मुस्कान पांडे जी है और ये इतना अच्छा काम कर रही है। माँ माँ मतलब माँ का शब्द ही नहीं होता। माँ के बगैर कोई जीवन नहीं है, चाहे इंसान हो, पशु हो, किसी को भी देख लीजिए, बिना माँ के, माँ का नाम ही होना बहुत बार। और ये जो कर रही है, जैसे स्लम में जाके बच्चों की मदद कर रही है, खाना दे रही है, उनकी शिक्षा के बारे में सोच रही है, इसलिए ये भारत आज तक ये बहुत ही ऐतिहासिक हमारा देश है। इन्हीं लोगों के कुछ लोग जो है, जो आज भी निरंतरता में ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं देश के लिए, इसके वजह से ही आज भी जो हमारी भाईचारा है और जो हमारी भारत की प्रभुता है वो बनी हुई है। लेकिन माँ बाप की अगर बात करें, जैसे माँ फाउंडेशन काम कर रही है, माँ के लिए काम कर रही है, लेकिन माँ बाप को लेकर जो आजकल की जो जनरेशन है वो माँ बाप को दूर कर रही है, उसको लेकर क्या कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, माँ से बड़ा कुछ नहीं, माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं। माँ के प्यार को और बाप के त्याग को आप समझ नहीं सकते। जब आप खुद मनते हैं तब आपको पता लगता है कि माँ और बाप का प्यार क्या होता है। जो माँ आपको 9 महीने पेट में रख के आपको इतना कष्ट से पैदा करके और इतना बड़ा कर देती है, उस पिता के त्याग को देखिए, जिसे आप देखते नहीं कि धूप में है, कहाँ है, बारिश में कहाँ काम कर रहे हैं, और वो अपने फटे चप्पल, अपने फटे कपड़ों को नहीं देखते हैं, और वो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों को कैसे अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा मतलब हर चीज उसको जीवन में अच्छा मिले। और हर व्यक्ति, जितने भी पिता है, पिता जो भी है, चाहे वो किसी भी पद पे है, वो हर व्यक्ति एक पिता ही सोचता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे जाए। मैडम, जिस तरीके से समाज में काम कर रही है, कितना बदलाव देखने को मिलता है अगर ऐसी संस्थाएं काम करती नहीं करना चाहिए। संस्थाएं इतनी सारी देश में है, लेकिन अगर माँ फाउंडेशन अगर मुस्कान जी की तरह ही सब बड़ा दिल करके काम करने लग जाए तो देश का बहुत भला हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसी संस्थाएं भी हैं जो सिर्फ नाम के लिए बना रखा है। तो मेरा उन लोगों से भी अपील है, जिस तरीके से हमारी मुस्कान जी माँ फाउंडेशन चला रही है, इतने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है, तो उन लोगों को भी कार्य करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हम लोग भी कुछ कर रहे हैं। मुस्कान जी का एक इंटरव्यू हमने सुना, एक पंजाबी भाई ले रहे थे, तो मुस्कान जी ने बताया कि हम अपनी तरफ से ही पैसा जोड़ते हैं, उसके बाद हम खाना बनाते हैं, 7,000 लोगों को खाना खिलाते हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है ये। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुस्कान जी खुद कमा करके और इसमें लगा रही है, तो और लोगों को भी, बहुत बड़े लोग हैं जो इस प्रकार से बड़ी बड़ी एनजीओ चला रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं, लेकिन उस पैसे का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैं उन बड़े एनजीओ वालों से भी कहूंगा कि जिस प्रकार से मुस्कान जी अपने दम पे संस्था चला रही माँ फाउंडेशन को, आप लोग सरकार से मदद लेते हैं तो आप लोगों को क्षेत्र में ज्यादा काम करना चाहिए। मुस्कान जी अगर अपने जेब से लगा के इतना कर रही, तो आप लोगों को सरकार का पैसा लेकर आप लोग काम करते हैं, आप लोगों को ज्यादा करना चाहिए। इससे इस देश का, जो हमारे बच्चे हैं जो आज गरीबी के कगार पे है, या जिनको रोटी, जिनके माँ बाप नहीं है, उन बच्चों को कैसे रोटी मिलती है और शिक्षा कैसे मिलती है, इससे एक बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा देश में। क्या आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से भी माँ फाउंडेशन को कुछ सहयोग? बिल्कुल 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 मिलना चाहिए। अगर कोई इतना अच्छा काम कर रहा है, मुस्कान जी इतना अच्छा काम कर रही है, तो माँ फाउंडेशन को बिल्कुल सरकार की तरफ से मदद मिलना चाहिए और मेरे से जो भी संभव हो, चूंकि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था आज के लिए, मैं जानता हूँ कि मुस्कान जी के कितने आज सुबह भी मुझे फोन पे लगे कि नहीं भैया आप आएंगे, नहीं लग रहा मुझे, लेकिन क्योंकि आज मेरे बेटा और वाइफ दोनों का जन्मदिन है, तो मुझे तो चलिए मेरे लिए तो धारी तलवार है, राजनीतिक ऐसी चीज है, लेकिन इनकी जिद ने और माँ फाउंडेशन के कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुला लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैम, क्या कुछ कहेंगी और कब से आप माँ फाउंडेशन के माध्यम से समाज में काम? मैं सर जब 11 साल की थी तब से मैं ये काम कर रही हूँ, 2003 से। उसके बाद मैं 2009 से मैंने संस्था को रजिस्टर कराया, तो बचपन से मेरा सेवा भाव है, क्योंकि जब मैं बचपन में थी तो मैं अपने माँ बाप खो दिया था, मैंने अपने माँ बाप को। प्रेरणा की अगर बात करें तो प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मुझे सर खुद से भी मिली है, क्योंकि मेरे को पता है कि बिना माँ बाप का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर दुनिया में आपको सब कुछ मिलेगा सर, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे कभी। तो मैं उन लोग को मैसेज देना चाहती हूँ जो अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं, वृद्ध आश्रम में छोड़ के आते हैं, क्योंकि ये ऐसे रत्न है ना सर कि आप इनका कर्ज ता जिंदगी, आप 100 जन्म लेंगे तो भी आप इनका कर्ज नहीं चुका सकते हैं। तो मेरा मानना है कि माँ और बाप, माँ का सर ने जैसा कहा कि माँ का प्यार और बाप का त्याग वो कोई भी नहीं चुका सकता है।
हम हमेशा माँ को आगे रखते हैं, तो बाप माँ अगर 9 महीने पेट में रखती है तो बाप जिंदगी भर उसको दिमाग में रखता है। आपके साथ आज पूरा जलसा देखा जा रहा है, जी सर, काफी टीम है आपके साथ। जब शुरुआत की थी तो किस तरीके, मतलब कितने लोग थे आपके साथ? मैंने शुरुआत की थी तो मैंने एक ट्रैफिक सिग्नल से शुरुआत किया था। एक 5 साल का बच्चा था, वो आया बॉम्बे में कि मेरे, उसका नाम तेजस है, वो अभी मेरे साथ है। तो वो आया कि दीदी मेरा, मतलब मराठी में बोला कि मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो मुझे लगा झूठ बोल रहा है, तो फिर मैंने उसको बोला कि चल मैं सारा खर्चा मैं उठाती हूँ। तो मैंने गई तो वाकई उसके पापा एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने जाके उनका क्रियाकर्म किया अंकल का, और उस बच्चे का फिर कोई नहीं था। उसका जो झुग्गी था वो भी, वो किराए पे रहता था। तो मैंने फिर उसको अपने साथ लेके आई, और वो आज हम दोनों मिलके माँ फाउंडेशन को चला रहे हैं। कितने लोगों की टीम इस बार आगे होगी आपके साथ? सर मेरी टीम, मेरी कम से कम अभी जो इस राइट नाउ मेरे पास 20-30 लोगों की टीम है। और सच बोलो तो मैं जो आज यहाँ खड़ी हूँ मेरे टीम की वजह से ही है। मैं कुछ नहीं हूँ, हम सब है, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कहाँ ऑफिस चल रहे हैं आपके? सर मेरा दिल्ली में है, मेरा मुंबई में है, मेरा आगरा में है, मेरा लखनऊ में है, अभी यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। और नोएडा में मैंने जमीन लिया है सर, वहाँ पे 5 करोड़ का बजट था बनाने के लिए वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम। मैंने दोनों को कोलैबोरेट किया था कि बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे और माँ बाप को बच्चे मिल जाएंगे। तो अभी वो मेरा जमीन मैंने ले लिया है, लेकिन अब मैं धीरे धीरे उसको, क्योंकि खुद कमा के इतना बड़ा वो करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन करूंगी मैं। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्या संदेश देने की कोशिश? ये आज के कार्यक्रम का संदेश मेरा ये है कि मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के लिए अपने दिल में दर्द रखिए, क्योंकि मेरा मानना ये है सर कि अगर आपके आंसू, किसी के आंसू देख के अगर आपका मन नहीं विचलित होता है तो आप मेरे हिसाब से फिर आप इंसान। माँ फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लगातार फाउंडेशन लगातार कई सालों से काम करती आ रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? जैसे माँ फाउंडेशन नाम ही माँ से शुरू होता है तो बड़ा ममता ही नाम है, और फिर मुस्कान पांडे हमारी बहन की तरह है और बहुत ही मजबूत महिलाएं जो लगातार समाज की सेवा इस माँ फाउंडेशन के माध्यम से करती हैं, और लगातार माँ फाउंडेशन आगे बढ़ती जा रही है। हम माँ फाउंडेशन के सभी लोग हम सदस्य हैं और मुस्कान के हाथ मिलकर समाज सेवा करते हैं और ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। सर समाज में जब कई क्रूरतियाँ होती हैं, समाज में जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको भोजन खिलाना जो माँ फाउंडेशन लगातार कर रही है, या तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, जरूरत की चीज़ें हैं, वो संस्था प्रोवाइड कर रही है, कितना अच्छा संदेश समाज में जाता है और कितना बदलाव समाज में होता है ऐसे कार्यक्रम से? देखो किसी भूखे का पेट भरना, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई कल्याणकारी काम हो नहीं सकता। रोते के चेहरे में मुस्कान लाना, इससे बड़ा कार्य हो नहीं सकता। तो इनका नाम ही मुस्कान है, तो ये वही काम कर रही है और ये बहुत ही कल्याणकारी काम है। मुझे लगता है इनके साथ माँ फाउंडेशन हम सबको सहयोग करके माँ फाउंडेशन के बैनर तले और भी समाज सेवा में काम करने चाहिए। एक सवाल और मेरा रहेगा, आजकल वृद्धा आश्रम ज्यादा खुल गए हैं, माँ की बात अगर यहाँ आती है तो माँ बाप को आज की जनरेशन बड़ा दूर करती नजर आ रही है, अपने साथ नहीं रखना चाहती है, क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जी। जो माँ बाप पूरा जीवन लगा देते बच्चों को कामयाब करने में और बड़े होकर वृद्धाश्रम भेजते हैं, इससे बड़े पापी औलाद हो नहीं सकती। संस्कारों की कमी होगी है, और इन्हीं बातों को देखते हुए श्री रामलीला ट्रस्ट विकास परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ, विकास में एक बहुत ही भव्य रामलीला का आयोजन कर रहे हैं ताकि लोग संस्कार सीखे। मैं उस मन से भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को जरूर लाए। रामायण की जो मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादाओं में त्याग तपस्या छुपी हुई है, तो मैं कहता हूँ उन्हें बच्चों को लाइए और संस्कार दीजिए ताकि आपका बुढ़ापा भी सफल हो। लोग राम को भूल गए, बच्चे बता नहीं सकते राम सीता कौन थे, और बता भी दे लक्ष्मण शत्रुघ्न और दशरथ का तो नाम ही नहीं जानते। हम अपनी परंपराओं को खोते जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से भी है कि सवारी रामलीला में भी जो 3 तारीख से और 12 तारीख तक चलेगी, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, अपने बच्चों को लेकर जरूर आए
ताकि समाज में संस्कार आए और जिससे हमारा समाज स्वस्थ परंपराओं के साथ आगे बढ़े। एक अंतिम सवाल सर, मुस्कान जी बता रही थी बीच में, मैंने एक इंटरव्यू उनका सुना कि सब अपने हाथों से यानी अपनी तरफ से सब कुछ करती है, 700 या 7000 लोगों को शायद खाना खिलाती है और वो अपनी संस्था के माध्यम से सब कुछ होता है, सरकार से कोई लेन देन का सिर्फ नहीं, क्या लगता है सरकार को ऐसे लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए? नहीं बिल्कुल मदद करनी चाहिए, मुझे लगता है मुस्कान पांडे ने आगे सरकार को बोला ही नहीं अभी। अच्छा तो सर आप लोग का सहयोग और राजनीतिक पार्टियों की तरफ सहयोग तो बनता है? हाँ नहीं, हम पूरे सहयोग से रहते हैं, हम मुस्कान पांडे के बिल्कुल साथ खड़े परिवार के लोग हैं और हम लगातार आगे प्रयास करेंगे सरकार से मदद मिले। सर एक महिला होकर के इतना बड़ा कार्य करना और इतने सारे लोगों के कहते हैं कि माँ बनना इतना आसान नहीं है। तो भाई मैंने बोला ना कि माँ फाउंडेशन का नाम इन्होंने ऐसा रखा है जिसमें करुणा छुपी हुई है और इस शब्द से ही सारी बातें अंकित हो जाती है कि माँ फाउंडेशन क्या काम कर रही है। माँ फाउंडेशन के माध्यम से इतने बच्चों की माँ बनना और समाज में काम करना क्या कुछ है? देखिए बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे समाज में मुस्कान जैसी बहनें और भी बहुत सारी बहनें माँ फाउंडेशन की जो एनजीओ है बहुत ही पुरानी एनजीओ है और बहुत सारे लोग पूरे इंडिया में इस माँ फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और समाज में जो गरीब तबका है या ऐसे लोग हैं जिनका परिवार नहीं है या ऐसे यतीम बच्चे हैं जिनका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है उनको सहारा देते हैं और उनकी नजरों में उनकी बेसिकली खाने की या पढ़ाई की उनका ध्यान रखते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसा हमारे देश में ही होता है कि सामाजिक कार्यों के लिए भी लोग अपने जीवन से बाहर निकल के काम करते हैं, तो इनको और भी भगवान शक्ति दे कि वह अपने काम में और तरक्की करें और शक्ति के साथ हमारे समाज की सेवा करें। हमारे समाज का जो गरीब तबका है उनको बहुत ज़रूरत है आज ऐसे लोगों की, तो बहुत बधाई है माँ फाउंडेशन को, उनके सभी पदाधिकारियों को, उनके सभी मेंबर्स को कि वह खुले दिल से पूरे सरकार के सहयोग से काम कर रहे हैं क्योंकि ये एक एनजीओ है और इसको सरकारी पूरा सहयोग हमेशा रहता है। तो बहुत बधाई के पात्र हैं सब।